बच्चों, हम लोगों ने देखो एक बार चेक कर लें कनेक्ट है कि नहीं, ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। हम लोगों ने पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिया था स्टैटिक्स में। ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है स्टैटिक्स में आपके लिए। कुछ बच्चे को कह रहे थे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल गया, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिलीट नहीं हुआ है आपके सिलेबस से। सिर्फ कौन सा डिलीट हुआ है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीवी। कोई भी दो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसका मीन एक्स वन बार है, इसका एक्स टू बार है, यहाँ पे दोनों का इक्वल है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है, तो इनका जो कंपेयर कर लेते हैं। सिर्फ ये एक पार्ट डिलीट हो गया है और कुछ डिलीट नहीं हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका जो करते हो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखो होता क्या है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए कितना वेरिएबल है, कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, समझने के लिए क्या निकालते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स बार टू 100, ठीक है। इस पर क्वेश्चन ले लेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, कोई डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, सारे कंप्लीट करने के लिए कोई भी पहले वाले में से एग्जांपल ले लेंगे। हम जो भी एग्जांपल हम लोगों ने किया है जिसमें हम लोगों ने मीन निकाले थे, ठीक है, उन्हीं में से एक एग्जांपल ले लेंगे। उसमें क्या निकालना है आपको? सिग्मा निकालना है और एक्स बार निकालना है। देखो एग्जांपल एक लिखते हैं, ये दे रखा है। हमें इसका क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में मैं समझाऊं, यदि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, यदि हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द सेकंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट मोर वेरिएबल, ठीक है, जिसका हमारा सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल, तो हमारा ये क्या होगा मोर वेरिएबल, और जिसका हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो क्या होगा हमारा मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमको अब क्या निकलना है इसमें? सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार, अभी लिखा था मैंने, क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, यही तो होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और मीन निकालना है। तो मीन देखो कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालते थे याद करो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही तो होता था। तो हमारे पास एक्स आई है एफ आई है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई है नहीं, तो मल्टीप्लाई निकालेंगे, निकालो एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई करो 21 80 15 13 का 45 4
15 × 15 = 19, 180, 23 × 6 = 18, 1 × 6 = 12, 13, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब हम मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन। इसका वैल्यू कौन सा कांसेप्ट होता है, आई इक्वल टू 1 टू एन, ये भी कांसेप्ट कौन सा कांसेप्ट होगा, आई इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है। समेशन निकालो, 1, 5, 6, 8, 14, 8, 2, 10, 11, 9, 20, 28, 30, 31, 3 × 4, 5, 6, 614 हो रहा है। इसका सम समेशन ऑफ एफ आई एक्स है, पूरा लिख लो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स है इक्वल टू 6/4, एफ आई एक्स है इक्वल टू 6/4। और हमें क्या निकालना है, न्यूमरेटर हमारा कंप्लीट हो गया, डिनोमिनेटर में देखो समेशन ऑफ एफ आई, इसका देखो समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 7, 17 और 15, 32, 32 and 10, 42 and 6, 48, और कर लो 6, 10, 16, 15, 31, 31 और 10, 41, 7, 48, ठीक है। वैल्यू पुट करो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 614, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना आ रहा है 48, डिवाइड करो कितना आ रहा है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 2 का वैल्यू नहीं दिया है सर, ठीक है। चलो कहीं नहीं है, नहीं है, ठीक है। तुम क्या करेंगे, x² का वैल्यू निकालो, 2 से कट रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 24, 7 × 3 = 10, 3 × 4 = 24, चलो डायरेक्ट कर देता हूँ, 307/24, कैलकुलेटर से ठीक है टाइम नहीं लगेगा ना, 307/24 कितना हुआ, 12.79। ये क्या आ गया हमारा एक्स बार, सीवी में हमारा मीन कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक मैंने कल बताया था, एक पहले बताया था, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, एक तो ये होता है, इसका रूट निकाल लेंगे। एक कौन सा बताया था, 1/n, जब हमारा ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी इंटरवल होता है तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एच और ले लेंगे, ठीक है। एन समेशन एफ आई बाई एच पर ये होता है ना, माइनस समेशन ऑफ एफ आई बाई एच पर होल स्क्वायर, एक ही होता है। अब इसके लिए हम करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स वन पॉइंट में आ रहा है, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसमें से 12.79 घटाओ फिर इसमें से लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसी से कर लेंगे, बाय आई का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। आई थिंक अच्छा डायरेक्ट एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, वो कंटिन्यूस वाले में हम लगाते हैं, इसमें क्या ले लेंगे, कंटिन्यूस वाले में हम एच स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बाई बाई है, उसमें क्या होता है अपॉन एच, ये हमारा डिस्क्रीट वाला है, डिस्क्रीट वाले में एच का वैल्यू है नहीं, तो हमारा यहाँ से बाई भी नहीं निकल पाएगा, तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये किसके लिए, कंटिन्यूस वाले के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/n
summation f I by I f I x I square minus summation f I x I का होल स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमने मीन नोट कर लो 12.7 है ना, मीन कितना है हमारा 12.7 है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, 1/n रूट के अंदर n समेशन f i x i स्क्वायर माइनस समेशन f i x i स्क्वायर। f i x i को हमने निकाल लिया, इसका स्क्वायर करने का पीछे वाला तो आ ही जाएगा, अब क्या निकालना है f i into x i स्क्वायर, तो उसके लिए पहले x i स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, निकालो 3 का 9 8 का 64 13 का 169 18 का 324 23 का कितना होता है 525, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा x i स्क्वायर, रख के निकाल रहे f i x i का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे f i x i स्क्वायर निकालो, इसका मल्टीप्लाई 963 640 मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके लिखने हैं 2535 3240 और 3174, ठीक है। ये किस किस का मल्टीप्लाई किया है, एफ आई का एक्स आई स्क्वायर के साथ, आ गया। हमें क्या चाहिए, एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एन का वैल्यू को निकाल लिया 48, करो वैल्यू पुट करो 1/48 रूट के अंदर 48 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, इसे ऐड करेंगे समेशन और ये क्या हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर, देखो वैल्यू कितना आ रहा है ऐड करके डायरेक्टली तो 9652, ठीक है। अब सीधा वैल्यू पुट कर देना है एफ आई एक्स आई स्क्वायर 9652 माइनस एफ आई एक्स आई का वैल्यू हमें क्या दे रखा था 614, तो यहाँ पे क्या करेंगे 614 का स्क्वायर, 614 का स्क्वायर इसमें लिखा है, 614 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर 376996, बड़े कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये घटाओगे तो ये क्या आएगा 293.77, इसका मल्टीप्लाई करके इसे घटाओगे क्या आएगा 293.77, इसका डिवाइड करोगे तो ये क्या वैल्यू आएगा, करो ये आ रहा है 6.12, ठीक है, इसका डिवाइड करोगे इसे ये क्या आ जाएगा 6.12। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन पढ़ में टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये क्या होगा 6.12, ये किसका वैल्यू आ गया सिग्मा का, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें यही तो चाहिए था, यही चाहिए था ना सी वी निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमें यही चाहिए। अब हमें क्या आपको वैल्यू पता चल गया, वैल्यू पुट करो सिग्मा क्या है हमारा 6.12, एक्स बार का वैल्यू क्या है हमारा 12.79, इसमें डिवाइड करोगे तो आपका सी वी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या आ गया सीवी का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब हमारा सीवी तो आ गया, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हमारे पास कोई दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, अब कंपेयर करने के लिए वो तो आएगा नहीं कि दोनों सेम सेम आ जाए, सेम नहीं आएगा, ऐसा ही नहीं कोई क्वेश्चन कराने का,
सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये उसी के लिए था जवाब उसी की पूछे, ठीक है जवाब उसी की पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो ये लेंथ प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा, एक्स बार भी निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होगा। अब देखो और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सेम नहीं होना चाहिए, अब देखो एग्जाम्पल 14 दे रखा है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमने क्या किया फर्स्ट और सेकेंड, सी सी पूछ रहा फर्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या दे रखा है हमारा 60, दूसरे वाले के लिए दे रखा है हमारा 70, सिग्मा वन की वैल्यू दे रखी है 21 और क्या दे रखा है 16, ठीक है। इसमें पूछा है व्हाट आर देयर अरिथमेटिक मीन्स, इसमें मीन का वैल्यू पूछा। अब देखो आप लोगों को सी का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, यही होता है ना, सीवी का वैल्यू पुट करो 60, सिग्मा का वैल्यू कितना है हमारा 21, फर्स्ट वाले के लिए 21, एक्स बार का वैल्यू कितना है ऊंचा इनटू 100, एक्स बार का वैल्यू ऐसे निकालो 21 इनटू 100 अपॉन 60, कैलकुलेट करो कितना आएगा, जीरो से जीरो गया कितना बचा 21 इंटू 10 अपॉन 6, 2 5 10 2 3 7 गया कितना हो गया 35, फर्स्ट वाले के लिए हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, मीन का वैल्यू कितना आ गया 35। अब देखो दूसरे वाले में लगाओ, वही लगाएंगे सीवी का फॉर्मूला, सीवी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एक्स का इनटू 100। यहां पर देखो ये भी कर सकते हो फर्स्ट वाले के लिए या तो यहां पे तो फॉर फर्स्ट फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और नहीं दिख रहे हो तो यहाँ पर कैसे करा हुआ, ये पहले वाले के लिए, ये भी पहले वाले के लिए, ये भी पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये दूसरे वाले के लिए क्या कर दो भाई, ये सी वी टू है, सिग्मा टू है, एक्स वन टू है, ये क्या है हमारा सी वी वन का वैल्यू, ये सी वी टू का वैल्यू, क्योंकि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, ये क्या है सिग्मा वन का है, ये सिग्मा टू का है। यहाँ देखो एक्स वन पूछा है तो एक्स वन टू सिग्मा टू अपॉन सी वी टू इंटू 100, सिग्मा की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 16 अपॉन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, 16 70 इंटू 100, जीरो कितना होगा 160 अपॉन 7, 7 × 14 15 16 20 हो गया, 7 × 14 कितना बचा 6 60 हो गया, 7 8 56 40 हो गया और 7 5 35, इसके लिए मीन कितना आ गया 22.85, ये किसका वैल्यू आ गया एक्स टू बार का। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे एक्स वाई मीन पूछ लेगा, या मीन दे रखा होगा सिग्मा दे रखा होगा सी वी पूछ लेगा, या सी वी दे रखा होगा एक्स मीन दे रखा होगा और क्या पूछ लेगा सिग्मा, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। थैंक यू।